क्रिकेट पर निबंध प्रस्तावना, क्रिकेट राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई देशों द्वारा खेला जाने वाला एक पेशेवर स्तर का आउटडोर खेल है। इस बाहर खेले जाने वाले खेल में 11 खिलाड़ियों की 2 टीमें होती हैं। क्रिकेट तब तक खेला जाता है जब तक 50 ओवर पूरे न हो जाए। इससे जुड़े नियम कानून का संचालन तथा नियमन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और मेलबोर्न क्रिकेट क्लब द्वारा किया जाता है। यह खेल टेस्ट मैचों और एक दिवसीय तथा T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के रूप में खेला जाता है। सर्वप्रथम यह खेल 16वीं शताब्दी के दक्षिणी इंग्लैंड में खेला जाता था। हालांकि 18वीं शताब्दी के दौरान इसका विकास इंग्लैंड के राष्ट्रीय खेल के रूप में हुआ।
क्रिकेट का इतिहास। ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के दौरान ये खेल बाहर के देशों में खेला जाने लगा और 19वीं शताब्दी में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच आईसीसी द्वारा 10-10 सदस्यों के दो टीमों में कराया गया। क्रिकेट एक काफी प्रसिद्ध खेल है जो इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका आदि जैसे दुनिया के कई सारे देशों में खेला जाता है। भारत में छोटे बच्चे इस खेल के दीवाने हैं और वह इसे छोटी सी खुली जगहों में खेलते हैं, खास तौर से सड़क और पार्क में। अगर इसे रोज खेला और अभ्यास किया जाए तो ये बहुत ही आसान खेल है। क्रिकेट खिलाड़ियों को अपने खेल में सुधार लाने के लिए रोज अभ्यास की जरूरत पड़ती है, जिससे
वो छोटी छोटी गलतियों को दूर कर सकें और पूरे प्रवाह के साथ इसे खेल सकें। निष्कर्ष। क्रिकेट ही नहीं बल्कि किसी भी प्रकार के खेल से स्वास्थ्य और उत्साह तो बढ़ता ही है, साथ ही स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना का भी विकास होता है। क्रिकेट के खेल से इसके साथ साथ आपसी एकता तथा भाईचारा का विकास भी होता है। विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट के समय समूचा विश्व जैसे एक परिवार ही बन जाता है और यह क्रिकेट के खेल की एक बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि इस तरह के वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहें। बाय बाय।